वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल, ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। डिप्टी CM सहित 5 विधायकों के गांव चौटाला में पेयजल किल्लत से जुड़ी एक खुशखबरी यह है कि अब लोगों को जल्दी ही पेयजल संकट से निजात मिलने वाली है, क्योंकि हमने लगातार आपको कई बार ये दिखाया है कि डिप्टी CM के गांव में भी लोग 500 से लेकर 800 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से मोल पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन अब चौटाला गांव में करीब 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वाटर वर्क से गांववासियों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। और ये बात सर्वजीत सिंह मसीता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कही है कि दुष्यंत चौटाला कहने की बजाय करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, उनकी सोच विकास की सोच है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हल्के के विकास हेतु कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार इलाके के विकासकरण हेतु लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें सड़कें, बिजली, पानी जैसी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य किया जा रहा है। करोड़ों रुपयों की योजनाओं को जनता को समर्पित किया जा रहा है, जिसमें उपमंडल के गांव चौटाला में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला वाटर वर्क्स भी शामिल है। इस मद में जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सर्वजीत सिंह मसीता ने बताया है कि गांव में पानी की समस्या के समाधान हेतु उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करीब 72 करोड़ की लागत से बनने वाले वाटर वर्क्स का शिलान्यास किया था, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो जल्द ही तैयार होकर ग्रामवासियों को समर्पित होगा। गांव में व सात लगते क्षेत्र को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी है कि पेयजल हेतु करीब 800 mm की 38 किलोमीटर पाइपलाइन को सीधे नहर से जोड़कर भारी भरकम पाइपों को मशीन के सहारे मुख्य मार्गों के किनारे से डालकर गांव की लाइनों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अप्रैल 2024 तक इस परियोजना के सिरे चढ़ने की उम्मीद है। लोगों को घर घर स्वच्छ जल प्राप्त होने लगेगा, गांववासियों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। इसके अलावा सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण हेतु करीब 34 किलोमीटर की पाइपलाइन को गांव में डालने का कार्य शुरू किया जा रहा है। सरबजीत सिंह मसीता ने बताया कि इस योजना के तहत वाटर वर्क्स में 450 व 350 क्षमता के 2 वाटर स्टोरेज टैंक भी तैयार किए जा रहे हैं। गांव की जवाहर कॉलोनी में एक नया पंप हाउस बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाटर वर्क्स में वाटर ट्रीटमेंट व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि पानी को ट्रीट करके उसे पानी को किसान भाइयों को उनके खेतों तक उपलब्ध करवाया जा सके। सर्वजीत सिंह मसीता ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला कहने की बजाय ज्यादा विश्वास करने में रखते हैं, उनकी सोच विकास की सोच है। इसी सोच के साथ भी हल्के के चहुमुखी विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा है कि उनकी विकास व सबका साथ की सोच विचारधारा उन्हें विरासत में मिली है। ये विरासत उन्हें उनके परदादा युग पुरुष चौधरी देवीलाल से मिली। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलकर वे हल्के में विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का अपने गांववासियों की ओर आभार व्यक्त करते हैं। तो लगातार चौटाला गांव में पेयजल संकट पिछले लंबे समय से गहराया है। लोगों को निचला पानी पीने से कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ा और दूर दराज से लोग टैंकर की मदद से पानी डलवाते हैं। लेकिन अब निश्चित तौर पर राहत की खबर है। जैसे ही हमने मीडिया में चौटाला गांव की उन खबरों को दिखाया, तो उसके बाद प्रशासन और सरकार इस संज्ञान में इस मामले को लेकर आई है। और अब जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सर्वजीत सिंह मसीता ने आगे आकर इसका मुआयना किया है, खुद वो वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने पल पल की अपडेट लगातार साझी कर रहे हैं। उनका दावा है कि बेहद जल्द डेडलाइन से पहले ही लोगों को राहत दी जाएगी और निश्चित तौर पर इस इलाके का सबसे बड़ा राजनीति की नर्सरी चौटाला के लोगों को पेयजल जो संकट गहराता है उससे निश्चित तौर पर हमेशा हमेशा के लिए राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, चौटाला।